नमस्कार दोस्तों, रावण स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो आज इन्वेस्ट करो कल आराम करो कंसेप्ट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते दोस्तों। इस वीडियो में देखने वाले छोटे से पेनी स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है NCL रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। प्राइस लगभग 82 पैसे के आसपास है। क्या आगे जाके जो एक रुपए का स्टॉक है यहाँ पे 10 रुपए के ऊपर जा सकता है कि नहीं, यहाँ पे 12 अगस्त को कंपनी जो कौन सा बड़ा धमाका करने वाले, क्या हमको इसमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए, पूरे यहाँ पे डिटेल में वीडियो में देखने वाले। उससे पहले बिग डिस्क्लेमर, जो NCL रिसर्च कंपनी बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, रिस्क के साथ आप लोगों को रिवॉर्ड भी मिल सकता है। क्योंकि रिस्की क्यों है, ऐसे जो कंपनी रहती है जो ज़्यादातर डूबने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, लेकिन रिवॉर्ड ये रहते कि आगे कंपनी बड़ी बनती तो आपको बहुत ही तगड़े रिटर्न बन सकते हैं आने वाले समय में। तो आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी पहचान है, उतना ही पैसा लगा जितना आप रिस्क लेने के लिए पसंद करते। तो एग्जैक्टली न्यूज़ का भी देख लेते हैं। कोई छोटी कंपनी को बहुत ही बड़ा यहाँ पे रिटर्न देना है तो यहाँ पे उस कंपनी को जो नेट प्रॉफिट रहता है यानी कि क्वार्टर टू क्वार्टर जो रिजल्ट रहते हैं वहाँ पे धमाका दिखाना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं पिछले 3 क्वार्टर का यहाँ पे रिजल्ट है। पहले लगभग 12 लाख का इनको यहाँ पे नेट प्रॉफिट होता, उसके बाद 15 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ, उसके बाद 70 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ। मतलब इनका जो नेट प्रॉफिट है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और आने वाले समय में अगर नेक्स्ट क्वार्टर है, जैसे कि जो यहाँ पे 12 अगस्त को क्या होने वाला है, यहाँ पे कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले। अगर यहाँ पे 12 अगस्त को यहाँ पे कंपनी बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकालती, अगर इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस करती कंपनी 70 लाख को, तो आने वाले समय में यहाँ पे अपर सर्किट लगने के चांसेस है। लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा गिरते हैं तो वापस से लोअर सर्किट में स्टॉक चल सकता है। देखिए ऐसे जो कंपनी रहते हैं बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहते हैं, जैसे कि जो कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग दे सकते, सिर्फ प्रमोटर ने यहाँ पे 1.5% ही कंपनी में स्टेक लेके रखा है और बाकी सब पब्लिक यहाँ पे भरे पड़े। क्योंकि पेनी स्टॉक में आप लोगों को पता रहेगा पब्लिक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। क्योंकि प्रमोटर को अपने कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, जिस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा कम रहता है उस कंपनी में कभी भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। जैसे कि इसका जो लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न है, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। एक ज़माने में स्टॉक का प्राइस लगभग 4 रुपये के आसपास था, गिर गया, उसके बाद वापस से यहाँ पे बाउंस बैक हुआ, वापस से गिर गए। तो ऐसे स्टॉक में ऑपरेटर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ऐसे पेनी स्टॉक को पंप एंड डंप बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आने वाले समय में क्वार्टर टू क्वार्टर जो रिजल्ट आने वाले यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैक रह गया, अगर बहुत ही शानदार और दमदार आ रहे तो थोड़ा थोड़ा करके SIP मोड में पैसा लगा सकते हैं। डायरेक्ट अगर हैवी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो स्टॉक में अटक सकते हैं, अगर एक बार अटक गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। जिसने भी 2018 में यहाँ पे 4 रुपये के आसपास स्टॉक को खरीदा था अभी तक वो लोग अटके हुए, तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। SIP में यहाँ पे पैसा लगाना है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, जब भी गिरेगा थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगा सकते हैं, लेकिन खुद का स्टडी जरूर कीजिए उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। ये तो था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते।